तो आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स भी आए थे YouTube पे कि सर हमें दिखाइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, जो कैटरक्ट का ऑपरेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो हम करते हैं, वो कैसे किया जाता है, राइट। तो मैं आपको सारा आज समझाने वाला हूँ ये कि कैसे कैसे करते हैं, कौन सी टेस्टिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि ये मोतियाबिंद होता क्या है। देखिए, मोतियाबिंद से डरना नहीं है, क्योंकि मोतियाबिंद एक उम्र के साथ होने वाली प्रॉब्लम है और हर इंसान को होनी है। जैसे उम्र के साथ बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वैसे उम्र के साथ आपकी आँख के अंदर जो लेंस होता है वो सफ़ेद हो। अच्छा, हमें ये भी समझना है कि अगर एक बार लेंस सफ़ेद हो जाए, अगर आँख में मोतियाबिंद आ जाए, तो मोतियाबिंद का इलाज सिर्फ एक ही है और वो है ऑपरेशन। कि ऑपरेशन से ये जो लेंस में धुंधलापन आ गया है, आपके कुदरती लेंस जो सफ़ेद हो गया है, उसको ऑपरेशन से हम निकाल दें और उसकी जगह पर एक नया लेंस डाल दें। देखिए, जो लेटेस्ट कैटरेक्ट की सर्जरी होती है, लेटेस्ट मोतियाबिंद के ऑपरेशन है, उसको हम इस तरह से करते हैं कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट को चश्मा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मोतियाबिंद के साथ साथ हम चश्मे का नंबर भी ठीक करते हैं, और बहुत ही एडवांस तरीके से होता है ऑपरेशन। अब ये सब पुरानी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, मैनुअल कैलकुलेशन, मैनुअल मार्किंग वगैरह सब ख़त्म हो गया। आजकल चीज़ें सब होती हैं सॉफ्टवेयर से, कंप्यूटर से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, राइट। तो एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं जो लेंस आपकी आँख के अंदर जाना है उसका नंबर। तो ये हम दो तरीके से करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं बायोमेट्री, इमर्शन अल्ट्रासाउंड बायोमेट्री। तो सबसे पहला तरीका होता है, यहाँ पे हम लेंस की पावर कैलकुलेट करते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ ये होता कैसे है। तो ये आप देख रहे हो, ये हम लोग अल्ट्रासाउंड की हेल्प से पेशेंट के जो आंख के अंदर लेंस डालना है, जो मोतियाबिंद में हम लेंस निकालेंगे, तो उसकी जगह पर एक आर्टिफिशियल लेंस भी डाला जाएगा। उस आर्टिफिशियल लेंस की कौन सी पावर में डालना है वो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं हम। ये फर्स्ट स्टेप होता है, लेकिन ये फाइनल स्टेप नहीं है। हम लोग एक जगह, दो जगह, तीन जगह चेक करते हैं और उनके बेसिस पे फाइनल नंबर निकालते हैं, राइट। तो ये आपने देख लिया कि अल्ट्रासाउंड से हम कैसे करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम ये लेज़र से या ऑप्टिकल बायोमेट्री कैसे करते हैं, वो दिखाता हूँ। अब इस मशीन को हम लोग कहते हैं लेंस्टार, और ये मशीन जो है ये ऑप्टिकल बायोमीटर है। मतलब अगेन, जो लेंस की पावर निकलेगी ये मशीन निकालेगी, लेकिन ये मशीन जो है आपकी और एक्यूरेट है, जो हम इमर्शन करते हैं उससे ज़्यादा। तो ये आप देख रहे हो, ये ऑप्टिकल बायोमीटर है, लेंस्टार का, हैक्सट्राइड कंपनी बनाती है, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इस टाइम की। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लेज़र से या ऑप्टिकल मेथड से हम लोग जो पावर है लेंस की उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। और जब ये हो जाता है कैलकुलेट, तो उसके बाद हमारी कुछ एक शीट निकलती है इस तरह की, जिसमें हमें पता लगता है कि कौन सी पावर डालनी है। अच्छा, ये शीट का मतलब ये नहीं है कि मशीन ने जो बता दिया वही पावर डालनी है। हम लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी पावर का लेंस डालना है, और उसके अकॉर्डिंग हम लेंस डालते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग कर रहे हैं टेस्ट, उसको हम लोग कहते हैं वेरियन। वेरियन का मतलब है कि अगर आपकी आँख में टॉरिक लेंस डाल रहे हैं, टॉरिक लेंस का मतलब है जो लेंस सिलेंडर को भी ठीक करता है, तो वो हम अब वेरियन की हेल्प से डालते हैं। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है जो पूरे सर्जरी में हमें गाइड करता है कि लेंस को किस एंगल पे, कितने टिल्ट पे, किस एक्सिस पे हमें इम्प्लांट करना है, इंसीजंस कहाँ पे देने हैं, सर्जन की पोजीशन कितनी होनी चाहिए, पेशेंट की पोजीशन कितनी होनी चाहिए, तो ये सारा कुछ हमें गाइड करता है। तो ये अब क्या कर रहा है, ये आपकी आंख की एक 15 सेकंड की वीडियो बनाता है, और उस वीडियो में से ये 300 इमेजेस को निकालता है, जिसके बेसिस पे हम लोग सारी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये सारा कैप्चरिंग हो रही है, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस आ रही है, मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड, और यहाँ पे हमारी सारी कैप्चरिंग हो रही है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप की शीट्स निकल के आती है, ये आपकी लेंस की पावर कैलकुलेशन है कैसे होनी है, और ये आपकी वेरियन की शीट है, जहाँ पे हमें पता लगता है कि कैसे कैसे लेंस को हमें आंख में डालना है, और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये पूरा हमें गाइड कैसे करता है, ये सारा को दिखा। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ऑपरेशन का फर्स्ट स्टेप है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मोतियाबिंद या कैटरेक्ट का ऑपरेशन अब मैनुअली नहीं करा जाता, हाथों से नहीं करा जाता, ये लेज़र टेक्नोलॉजी से किया जाता है, कि लेज़र आंख के अंदर डाल के मोतियाबिंद को घोल के पानी बना लेता है, और फिर हम उसको निकाल के आँख में नया लेंस डाल देते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई है,
और सेफ्टी बहुत ज़्यादा हाई है, रिकवरी इंस्टेंट है, आज कराए कल से दिखना शुरू, परसों से अपने काम पे लग जाओ, राइट। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये होता कैसे है, लेज़र से हम लोग कैसे करते हैं। तो ये स्क्रीन पे सारा कुछ आएगा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाते भी जाऊँगा। ये सारा कुछ हमारा है, कंप्यूटर कंट्रोल्ड होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल्ड होता है। मशीन को मैंने अब आंख के ऊपर डॉक कर दिया है और ये सारा काम अब लेज़र से होगा, हमारी मैनुअल इंटरवेंशन इसमें कुछ होती नहीं। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये मैं सब मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारी ओपनिंग बनेगी और मैं स्कैन करके फिर आगे जा रहा हूँ, फिर ये आपको सारा कुछ बताएगा, ये सारा कुछ दिखाएगी मशीन। तो जैसे मशीन दिखा रही है आपको कि ये कैप्सूल है, कैप्सूल में वो ओपनिंग कहाँ बनानी है, इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अपने आप सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है। ये आप देख सकते हो, ये उसने बता दिया कि हमारा लेंस कहाँ पे है, लेंस को कैसे कैसे हटाया जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ और फर्दर इसको और रिफाइन कर सकता हूँ, जैसे सपोज मुझे लेंस और थोड़ा सा नीचे तक हटाना है इसको, यहाँ तक, तो यहाँ तक ले लिया मैंने और बस इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया और अब हमारा लेज़र के लिए रेडी है मशीन। और अब मैं इसमें लेज़र डाल के ये सारा कुछ मैं अंदर से ठीक कर दूंगा। तो आप देख सकते हो लेज़र के लिए रेडी है मशीन, यहाँ पे आ गया लेज़र। तो सारा लेज़र आपको सब स्क्रीन पे दिखेगा होता हुआ। तो ये मैंने लेज़र शुरू कर दिया, देख रहे हो आप, पहले यहाँ पे ये ओपनिंग बना रहा है लेज़र की, यहाँ से हम लेंस को हटाएंगे और नया लेंस डालेंगे, ठीक है। अब जो अंदर मोतियाबिंद है उसको भी हमें काट के निकालना है, तो अभी आप देखना ये लेज़र मोतियाबिंद को पूरा काट देगा। ये आप देख रहे हैं लाइन है, ये लेज़र है, ये मोतियाबिंद को पूरा काट रहा है ताकि हम इसको सकआउट करके निकाल सकें। तो ये देख रहे हैं आप, नीचे से ऊपर तक कट रहे हैं और अब ये पूरा कट चुका, बस अब हमारा हो गया ख़त्म। अब हम पेशेंट को दूसरी ओटी में ले जाएंगे और वहाँ पे मोतियाबिंद को निकाल के इसमें नया लेंस डाल देंगे। कुछ दर्द हुआ? नहीं। वेरी गुड। तो अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है कि अब हम इस लेंस को निकालेंगे कैसे, राइट। तो अब इसमें भी तरीका है, आजकल बड़ी एडवांस चीज़ें आ गई हैं, सब पुरानी चीज़ें सब ख़त्म हो गई हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, तो ये मशीन्स होती हैं जिनसे हम लेंस को निकालते हैं। तो एक पुरानी मशीन देख लो इस तरह की होती थी, उसको इन्फिनिटी कहते हैं। अब नई मशीन आ गई है सेंचुरियन, उससे हम लेंस निकालेंगे। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये वाला सिस्टम जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है जो हमें गाइड करता है कि लेंस को कैसे कैसे किस पोजीशन में डालना है। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा सिस्टम हमारा रेडी है, कहाँ पे लेंस डालना है, कितनी जगह पे लेंस डालना है, डॉक्टर किधर बैठेगा, माइक्रोस्कोप किधर होगा, लेंस को कितना घुमाना है, किस जगह से डालना है, ये सारा कुछ ये सिस्टम हमें गाइड करता है, राइट। तो मैं एक एक आपको एक एक स्टेप करके सर्जरी भी पूरी दिखाता हूँ कैसे कैसे होती है। तो अगेन हम लोग 100% ऑटोमेटिक सिस्टम पे भी रिलाय नहीं करते हैं, हम लोग अपनी साइड से मैनुअली भी मार्क करते हैं, यहाँ पे देखो, ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना आए। तो जब मैनुअल सिस्टम और जो हमारा ऑटोमेटिक वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है वो आपस में जब कोइंसाइड करते हैं, मार्क कर दिया, आपस में जब वो कोइंसाइड करते हैं, बच्चे यहाँ देखो मेरे सामने देखो, बिल्कुल दोनों आँख खोल लो, तो कोइंसाइड करके हम और श्योर हो जाते हैं कि जहाँ पे हमने डाला है लेंस वो बिल्कुल ठीक जगह है। तो ये आप देख रहे हो, ये पूरी प्लानिंग हो गई हमारी, ये हमारी पिक्चर आ गई है यहाँ पे, ये बता रहा है कि डॉक्टर को किधर बैठना है, तो डॉक्टर बिल्कुल सिर के पीछे बैठा हुआ है। ये बताता है कि हमने पहला इंसीजन कहाँ देना है, ये बताता है कि हमें ओपनिंग जो है वो कितने मिलीमीटर कहाँ बनानी है, हमें लेंस को कहाँ सेंटर करना है। तो ये पूरा आपको सिस्टम जो है ये बना के दे देता है। तो ये आप देख रहे हो, ये हमारे पास एक ओवरले आ गया ऊपर से और हमने इसको मार्क कर दिया कि हमने लेंस जो है वो कहाँ पे डालना है। तो
ये देख रहे हो आप, ये कैसे हमारा ओवरले आ रहा है और इसके बेसिस पे हम लोग सारा अपना सर्जिकल टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। तो ये बेसिकली जो है आपको ये गाइडेंस पूरी गाइड करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि आपको ऑपरेशन करना कैसे है, जिससे कोई मैनुअल एरर ना रहे, बिल्कुल डिजिटल सिस्टम से हम बिल्कुल परफेक्ट सर्जरी कर पाए। ये हमारी सारी गाइडिंग हो रही है एंड जैसे ये मेरे को डिजिटल ओवरले दिखा रहा है कि अब मुझे नेक्स्ट कट कहाँ देना है, तो मैं उधर ही दूंगा जिससे बेस्ट रिजल्ट आए पेशेंट के। तो अब आप ये देख रहे हो, ये मुझे बता रहा है कहाँ देना है इंसीजन, तो मैं वहीं पे दे रहा हूँ, तो उससे और एडवांटेज हो जाता है हमें और गाइडेंस बेटर हो जाती है। जो लेंस है हमारा वो ऑलरेडी अंदर कटा हुआ है, सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है और मेरे को बस इसको निकालना है। कुछ यहाँ पे काटा पीटी या फिर कुछ सर्जिकल ओवर मैनिपुलेशन चीर फाड़ का कोई सिस्टम नहीं है, बस सक्शन से निकल जाएगा। सिंपल सा तरीका है, बस सक्शन है, कुछ इसमें हम चीर फाड़ नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस सक्शन से हमने इस मोतियाबिंद को निकाल लिया। तो देख लो कितना स्मूथली, कितना परफेक्टली निकल रहा है विदाउट एनी हासल। तो ये आप देख सकते हो सेंचुरियन विजन सिस्टम इस मशीन का नाम है। इस टाइम की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है मोतियाबिंद के इलाज के लिए और इसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेंसएक्स बेस्ड लेज़र सिस्टम के साथ कंबाइन करके आपको बेस्ट रिजल्ट देते हैं। तो बिल्कुल एडवांस तरीके से, इतने इसमें एडवांस सेंसर्स हैं, सेंसिटिव सेंसर्स हैं कि आँख में कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती। इतना एडवांस सिस्टम है कि सब कुछ अपने आप अंदर कंट्रोल करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और आँख में कोई कॉम्प्लिकेशन सर्जरी के दौरान कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। इसलिए हम कहते हैं कि सर्जरी बहुत बहुत ज़्यादा सेफ हो गई, इससे कई फोल्ड सेफ हो गए सर्जरी इन सिस्टम्स के साथ। हम तो इस आर्टिफिशियल सिस्टम का फ़ायदा ये है कि आँख में कोई प्रॉब्लम हो उससे पहले इसको पता लग जाता है कि प्रॉब्लम होने वाली है और उस हिसाब से ये सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली अंदर कर देता है जिससे आँख में कोई कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम ना हो सर्जरी के दौरान। तो अब आप ये देख रहे हो कि ये हमने पूरा अंदर से क्लीन कर दिया है और बस अब हमें आँख के अंदर लेंस डालना है और उसको अपनी जगह पर सेट करना है। तो बस अब हमारा लेंस रेडी है और इस लेंस को अब हम आँख के अंदर डाल देंगे। तो ये हमने थोड़ा सा होल्ड करा और लेंस को अंदर हमने इंजेक्ट कर दिया। तो अब लेंस की ब्यूटी देखिए, लेंस इतना बड़ा है लेकिन ये लेंस फोल्ड होके रोल होके आंख के अंदर चले जाता है। तो एक छोटे से चीरे से हम लेंस को आंख के अंदर डाल देते हैं और बस हमने अब लेंस हमने आंख के अंदर फिट कर दिया। अब इस लेंस को हम सेट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था टॉरिक लेंस है तो एक स्पेशल एक्सिस में सेट करना होता है। ये हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइड करेगा, तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको ये कैसे गाइड करता है। ये जो आ रहा है हम ओवरले आ रहा है और ये हमें गाइड कर रहा है कि हमें लेंस को कैसे अलाइन करना है, राइट। तो आप देखो, एक तो ये ओवरले है और आप देख सकते हो कि तीन छोटे छोटे छेद भी हैं। तो इन जो ये तीन छोटे छोटे छेद नहीं है, बेसिकली ये मार्क है एक लेंस के ऊपर, तो इसको अब हमने अलाइन करना होता है जहाँ पर हमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सिस्टम बता रहा है अलाइन करने के लिए। तो वो दिखाता हूँ कैसे होता है। तो अब आप ये देख रहे हो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लेंस को अलाइन कैसे करते हैं। तो ये देख रहे हो आप, तीन डॉट्स हैं, ये लेंस का मार्क है और इन तीन डॉट्स को हमने अलाइन करना है जो हमें डिजिटल सिस्टम बता रहा है कि लेंस को डालना किधर है, राइट। तो इसको हम अभी डायल कर रहे हैं थोड़ा सा और इसको हम पूरा सेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये कि ये हमने अलाइन कर दिया लेंस, बिल्कुल परफेक्टली अलाइन कर दिया डिजिटल सिस्टम के साथ और बस अब सर्जरी ख़त्म और वो आँख को बंद कर देंगे और कल से पेशेंट को दिखना शुरू हो जाएगा। सिस्टम है ये, बहुत ही एडवांस सिस्टम हो गया आजकल वो सब ख़त्म हो गया कि अपने आप कि भाई कहते थे कि सीनियर सर्जन है तो वो बेटर मार्क करेगा, बेटर करेगा, ये सब ख़त्म हो गया। आजकल हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई, इस तरह की चीज़ें आ गई गाइड करने के लिए कि एक बिगनर सर्जन भी इन टेक्नोलॉजी के हेल्प से बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के ऑपरेशन कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। बट ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस का हेल्प तो होता ही है, जितना एक्सपीरियंस सर्जन उतना बेटर, लेकिन इन टेक्नोलॉजी के हिसाब से थोड़ी सी हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं सर्जरी के बाद वो और बेटर हो जाते हैं। तो
ये जो मैंने आपको सर्जरी दिखाई है आज, ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कैटरेक्ट सर्जरी है जो लेटेस्ट आया है मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए। दर्द तो नहीं हुआ? वेरी गुड। तो ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है और बस इंडिया में अब 2-3 बड़े बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पे आ गई है और ग्रेजुअली ये टेक्नोलॉजी ऑल ओवर इंडिया आने वाली है। ये टेक्नोलॉजी जो है, ये जो मैनुअल एरर है, जो हाथों से ऑपरेशन करने में गलतियाँ हो जाती हैं, उस चीज़ को ये ख़त्म कर देती है। प्लस ये आपको इतना एक्यूरेटली गाइड करती है, इतना प्रिसीजन के साथ गाइड करती है कि स्पॉट ऑन रिजल्ट्स। अगले दिन पेशेंट बिल्कुल 6x6 पढ़ के जाता है, बिल्कुल परफेक्ट होकर जाता है, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना चश्मे के। अब वो लाइफ जिएगा, चश्मे की रिक्वायरमेंट भी उसको नहीं है। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अगेन, आपके मन में इसके बारे में कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा सबका जवाब जल्द से जल्द दूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लिव मैक्सो।